घड़ी में बज गए 3 और आपके पास मैं तीसरा एपिसोड लेकर आ गया हूँ क्रिकेट दिवस का, यानी कि सचिन पाजी के हैप्पी बर्थडे की सेलिब्रेशन का। और ये जो कहानी है ना, ये कहानी वैसे बड़ी मजेदार है। ये बताती है कि पाजी का दिमाग ना वो चाचा चौधरी से भी तेज चलता था। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता तूने ये हुनर सीखा कहाँ से? अब आप सोचेंगे कि आज आकाश को हुआ क्या है, कौन से मूड में है ये, तो मैं आपको बताऊंगा कि मूड वूड कुछ नहीं है, ये तो हमारी कहानी का आज का इंट्रो है। जी हाँ, ये कहानी है इशारों की। अब क्रिकेट में इशारों का क्या काम? काम है जनाब, बिल्कुल है, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसा ही हुआ था इस मैच में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मोहाली, जब क्रिस केन्स, तेंदुलकर और द्रविड दोनों पर ही हावी हो रहे थे। एक बार बीट, दो बार बीट, यहाँ जान बची, जान यहाँ हलक में, ये सिलसिला तो बंद ही नहीं हो रहा था रिवर्स स्विंग के कारण। दोनों ही बल्लेबाज ये जान नहीं पा रहे थे कि किस तरफ शाइन है और किस तरफ खुरदरापन। ऐसे में करें भी तो क्या करें? फिर पाजी को सूझी एक तरकीब। यहाँ देखिए, वो द्रविड़ को कुछ समझा रहे हैं। द्रविड़ भी सर हिला के मानो कह रहे हैं, ओके बॉस, डन। पर दोनों क्या तिगड़म लगा रहे हैं। मुझे तो पता है, पर आप देखिए देखिए देखिए, पीट होने से बचने के लिए दोनों ने क्या तरकीब निकाली है। वाह भाई, ये देखिए, ये आए केन्स और ये द्रविड़ ने किया डिफेंस। एक बार और देखिए, केन्स आए, स्टॉप, रीप्ले, ये डालने वाले हैं क्रिस केन्स बॉल। और अब देखिए सचिन को, उन्होंने अपना बल्ला राइट हैंड से चेंज करके पकड़ा है लेफ्ट हैंड में। द्रविड़ ने उनकी तरफ देखा और समझ गए और मारी एक जबरदस्त शॉट। अब भाई द्रविड़ की बारी, ये देखिए, केन्स के बॉल डालने से पहले द्रविड़ ने तुरंत ही बल्ला पकड़ लिया है लेफ्ट हैंड में। अब भाई ये माजरा क्या है? सिंपल, तेंदुलकर ने द्रविड़ को समझाया ये फॉर्मूला। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहने वाला बैट्समैन देखेगा केन्स की तरफ। अगर केन्स ने बॉल की शाइन रखी है आउटस्विंग डालने के लिए, तो बैट्समैन पकड़ेगा बैट लेफ्ट हैंड में, और अगर वो इनस्विंग फेंकने वाले हैं तो बैट्समैन पकड़ेगा राइट हैंड में। ये सिलसिला कुछ देर तो चला, लेकिन जल्द ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को तेंदुलकर की ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। तो इस बार केन्स ने फेंकी ना इनस्विंग ना आउटस्विंग, पर एक क्रॉस सिम डिलीवरी, जिसका भी बढ़िया जवाब दिया तेंदुलकर ने। कैसे जी? उन्होंने पहले ही द्रविड़ को बोल दिया था कि अगर उन्हें ये ना पता चले कि केन्स किस तरफ शाइन रखने वाले हैं, तो बल्ले को दोनों टांगों के बीच में, बिल्कुल मिडल में रख लीजिए। इस तरह तेंदुलकर और द्रविड़ दोनों ने ही मात दी केन्स को और करी रनों की बारिश इशारों इशारों में। इसे कहते हैं तू शेर तो मैं सवा शेर, है ना। वैसे बहुत मजेदार सी कहानी की, अगर आप इकट्ठे खेल रहे हैं तो फिर जरूरी रही है कि आपके हाथ में ही बैट हो हमेशा। आपके हाथ में मतलब बैट होगा, लेकिन आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, आप नहीं फेस कर रहे बॉलर को, फिर भी आप अपने दोस्त की, अपने साथी की मदद कर सकते हैं। ये कहानी उस बात की, और ये काम ना हमेशा करते थे पाजी की कहानी, मतलब पाजी की क्लास यही थी। जैसे आपकी अगर कोई गलती हो रही है तो फिर फट से दूसरे छोर से आएंगे और बताएंगे कि देख यार आकाश ऐसा हो रहा है, देख वीरू थोड़ा सा ना लूज खेल रहा है, या फिर राहुल थोड़ा सा अपने को इस तरीके से खेलना है। और दैट्स व्हाई यू नो इट इज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। और सचिन तेंदुलकर इस बात को बड़ी अच्छी तरह से ये दिखाते थे, ये बताते थे कि टीम स्पोर्ट क्या होती है, टुगेदर ईच अचीव मोर। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, क्योंकि इन 4 आवर्स यानी कि 7 बजे आपके पास एक और बढ़िया सी स्टोरी आने वाली है। इस बार दिस स्टोरी एक्चुअली इन्वॉल्व्स विराट कोहली।